एलएसी पर भारत की सख्ती का दिखा असर, झड़प वाली जगह से एक किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक। दोनों सेना बातचीत के बाद नई पोजीशन पर आई, झड़प रोकने के लिए बफर जोन बनाया गया। देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में सामने आए करीब 24,000 नए मामले, कुल आंकड़ा 7 लाख के करीब। देश भर में पिछले 24 घंटे में 425 लोगों की गई जान, अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए मामले, 2 लाख से ज्यादा कुल केस, अब तक 8,000 से ज्यादा मौत। फरार गैंगस्टर विकास दुबे का वीडियो आया सामने, 3 साल पहले 2017 का है विकास का ये वीडियो। एसटीएफ ने 2017 में गैंगस्टर विकास दुबे को किया था गिरफ्तार, उसी दौरान पूछताछ का है ये वीडियो। गैंगस्टर विकास दुबे की नई तस्वीरें आई सामने, किसी पार्टी में नजर आ रहा है विकास। कानपुर शूटआउट केस में 2 दिन बाद भी खाली है पुलिस के हाथ, ढूंढने में जुटी है जांच एजेंसियों की 40 से ज्यादा टीमें। यूपी के कई शहरों में गैंगस्टर की तलाश जारी, उन्नाव में पुलिस ने लगाए पोस्टर। कोरोना पर 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा, हवा से भी फैलता है कोरोना वायरस, WHO से कोरोना पर गाइडलाइंस बदलने की बात। पीएम केयर फंड के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर की क्वालिटी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा दुख है कि राहुल गांधी देश का मनोबल गिराने में लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ताजमहल को खोलने का फैसला टला, आज से खुलना था स्मारक। यूपी के बस्ती में मनोरमा नदी में दूषित पानी छोड़ने वालों पर भड़के विधायक अजय सिंह, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। गुजरात में भारी बारिश, जूनागढ़, गीर सोमनाथ, पोरबंदर और अमरेली में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। द्वारका के खंबालिया में 14 घंटे में 17 इंच बारिश, खंबालिया में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात की जींद में महज 2 घंटे में 12 इंच बारिश, घरों में घुसा पानी। जूनागढ़ में 2 घंटे की भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, दामोदर कुंड में तेज बहाव। पोरबंदर में बारिश से लोग परेशान, पूरे शहर में कई जगह पानी भरने से हुई दिक्कत। आज है सावन का पहला सोमवार, उज्जैन के महाकाल दरबार में पुजारियों ने किया शिवलिंग का अभिषेक। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा के लिए उमड़े भक्त, हाथों में जल लेकर कतार में दिखे लोग। सावन के पहले सोमवार पर सुबह सुबह मंदिर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में किया पूजा पाठ। सीएम योगी ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ किया जलाभिषेक, शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध से किया अभिषेक। दिल्ली के शिव मंदिरों में सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना के कारण दूध जल चढ़ाने पर रोक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।